दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, दोस्तों काफी लोगों का जो पीएम किसान का जो 11th किस्त है यानी 11 किस्त है, 11 किस्त अपने अकाउंट पे नहीं आया है। इसका जो मुख्य रीजन है क्या है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंक डेटा से वो एक्सेप्टेड यहाँ पे दिखा रहा है, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड दिखा रहा है। और जो रेस्पॉन्ड डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 8/10/2022 को ये रेस्पॉन्ड किए गए हैं। और इनका जो पेमेंट है, इस किसान का जो पेमेंट मोड है वो ये अकाउंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे अकाउंट नंबर दिए गए हैं। और इस किसान का जो 11th किस्त है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आ चुके हैं, 17/10/2022 को वो क्रेडिट हो चुके हैं। तो आपको और एक अकाउंट आपको खुल के दिखाते हैं जिसका मैं पूरा स्टेटस आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से उस अकाउंट को भी ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा और एक अकाउंट ओपन किए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट मोड जो है वो आधार दिखा रहा है और यहाँ पे अकाउंट नंबर नॉट अवेलेबल दिखा रहा है और उनका जो बैंक स्टेटस है वो रिजेक्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उनका जो बैंक स्टेटस है वो रिजेक्टेड दिखाने का कारण क्या है? तो कारण ये है कि पहले उनका जो पेमेंट है सरकार की तरफ से जो भी योजना का लाभ दिया जाता था वो अकाउंट में आता था, लेकिन अभी जो है पेमेंट मोड जो है वो आधार कर दिए गए हैं और उनका जो आधार कार्ड के साथ उनका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं है, जिसके कारण उनका जो पैसा है वो रुक दिए गए हैं और उनका जो बैंक स्टेटस है वो रिजेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, तो उनके लिए अभी क्या करना है? तो उनके लिए अभी बैंक में जाना है, आपको बैंक में जाके वो आपका जो आधार कार्ड के साथ जो बैंक अकाउंट है वो लिंक कराना है। बैंक में जाके आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको बैंक में फिल करके दे देना है और इसके बाद आपका आधार कार्ड के साथ जैसे ही आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, आपका अकाउंट में जितने भी सरकारी योजना का पैसा है, चाहे 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट बाकी है आपका, वो सारे आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो फार्मर है उनका सारे जो डिटेल्स है वो सही है, वो सारे यहाँ पे कर दिए गए हैं। सिर्फ बैंक रिकॉर्ड की वजह से उनका जो पैसा है वो रुका हुआ है और इनका जो पेमेंट है जो पहले अकाउंट में आता था तभी ये सारे रिकॉर्ड जो है वो एक्सेप्टेड दिखा रहा था और यहाँ पे डेट भी था कौन सा डेट में रेस्पॉन्ड किए गए थे। लेकिन फिलहाल जो है ये 11th किस्त में यानी जो भी 11 किस्त आने वाले थे तभी उनका जो रिकॉर्ड है वो रिजेक्टेड आया है और इसका मुख्य कारण ये है कि पहले पेमेंट अकाउंट में आता था और अभी जो है वो आधार के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, इसके कारण उनका जो पेमेंट है वो नहीं आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th इंस्टॉलमेंट उनको मिल गए हैं और जो 11th इंस्टॉलमेंट है वो उनको नहीं मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इसी महीने से ये जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है सरकार की तरफ से, इसी मायने से जो पेमेंट मोड है वो सबका आधार करने जा रहा है, यानी आधार कार्ड के थ्रू सरकार कोई भी, सरकार की तरफ से कोई भी योजना का लाभ हो वो डायरेक्ट आधार कार्ड के थ्रू पैसा भेजा जाएगा। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों का लैंड शेडिंग का प्रॉब्लम है, किसी का नो दिखा रहा है किसी का यस दिखा रहा है, ठीक है, तो जिन लोगों का नो है उनको यस कैसे करना है, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट का जो भी पटवारी ऑफिस है वहां पे जाना है और ये दिखाना है। ठीक है, आपका जो भी जमीन का पेपर है वो जमा किए थे आपने वो लेकर जाना है और दिखाना है, वो वहां से आपको सारे चीज आपको बता दिया जाएगा आपको कैसे क्या करना है और इसके बाद आपको दोबारा इसको आपका पीएम किसान ऑफिस में जमा करा देना है, तो आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।